अस्सलाम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अली, आप देख रहे हो डिस्कवरी बर्ड्स पर। और आज का जो हमारा सेशन है वो इस पे जावा स्पैरो के हवाले से है। जावा जो है, पिछले दिनों आपने के परिंदा देखा होगा जो हमारे पास मोल्ड पे आया हुआ था, जो अपने पर जो है खुद ही नोच रहे थे। तो एक मादा है, मादा थी जो अपने पर नोच रही थी, उसकी मैं आज वीडियो आपसे शेयर करूँगा। आज मैंने उसको देखा, माशाल्लाह से अच्छी खासी कवर हो चुकी है वो, और अभी नेस्टिंग वगैरह के ऊपर भी रुझान था। इंशाल्लाह ताला अगर उसकी ब्रीड आई तो ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी चलते हैं शेड के अंदर, तो शेड में आपको दिखाता हूँ जावा स्पैरो की प्रोग्रेस। व्यूअर, जैसे अभी हम अपने शेड में हैं, जैसे अपने कुछ दिन पहले हमने देखा, आपने देखा था कि मैंने एक जावा फीमेल की वीडियो सेंड शेयर करी थी, जिसके दुम के पीछे बाल नहीं थी और तकरीबन कलियों में जिस्म पे भी तकरीबन हल्का हल्का बाल थी। उसमें जो है वो काफ़ी सारी समझ लो शायद था उसके अंदर बाल नोचने की ना। तो वो फीमेल अभी मैंने इसको देखा तो बिल्कुल रिकवर हो चुकी है माशाल्लाह से। तो अभी उसके साथ इसको आपके साथ शेयर करना है। तो अगर जो जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी थी तो पिछली वीडियो देख ले, क्योंकि बहुत इसके अंदर मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। और मैं जब जब कोई कॉकटेल या अल्बाइनो या किरमिनो कोई भी परिंदा अगर मेरा बच्चे नोचते हैं, बच्चों के मैं पर के ऊपर जो है ये इस्तेमाल करता हूँ। तो पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाए मैंने क्या लगाया था, किस तरीके से लगाया था। अभी मैं आपको जावा की फीमेल की वीडियो शेयर करता हूँ। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हो, ये मादा है जो हमारी प्लगिंग में आई हुई थी, अंदर चली गई, ये बाहर आ गई। तो अभी पूरी कुछ कवर नहीं हुई है, लेकिन बहुत बेहतर है पहले के बनिस्बत। ये जिसकी दुम ब्लैक थी, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में भी मैंने इसकी वीडियो शेयर करी थी, इसकी दुम पीछे से ब्लैक थी। तो इसकी निशानी मैंने रखी थी यही, इसकी देख सकते हो बिल्कुल दुम कवर हो चुकी है। ये जब तक आप किसी परिंदे को तजुर्बा ना करें, आप बड़ा मेहरबानी उसकी वीडियो आगे शेयर ना करें और किसी को मिस गाइड ना करें। मैंने ये देखो, ये तीन दिन पहले मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया था। प्लांट का जो देसी छोड़ता है वो बिल्कुल माशाल्लाह से सेट हो गई है, अभी बेजाने भी नहीं आ रही। लेकिन जिस पैर के अंदर मेरे पास एक मादी है जिसके अंदर उसकी दुम काली है, दुम के बैक साइड काली है। ये जो मादी उड़ के आई है, ये देख सकते हो आप बिल्कुल पीछे से कवर हो गई है। इसकी जो गंजापन है, गंजापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये जो सामने बैठी है आप इसको देख सकते हो, बिल्कुल माशाल्लाह से साफ सुथरी मादी हो गई है। अभी इसने बहुत हांडिया भी पसंद कर ली, पेयरिंग भी कर ली, आप दुम देख सकते हो, दुम बिल्कुल इसकी क्लियर हो गई है। ओके व्यूअर्स, तो आपने देखा कि किस तरह हमने जावा को ट्रीटमेंट दी है देसी टोटके के साथ, तो बिल्कुल माशाल्लाह से कवर हो गया है और उसकी जो दुम का जो गंजापन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आप अगर इस तरह आपके साथ आपके कोई जावा या जावा के पट्टे या कोई पिंचेस के मसले मसाइल ऐसे आ जाए, तो आप हमारा जो देसी टोटका मैंने बताया है एज इट इज़, कोई ज़्यादा महंगा टोटका नहीं है, एज इट इज़ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अल्लाह के आपके अगर कोई ब्लम्पर्ट में कोई कॉकटेल में बच्चा नोचता है उसके पेरेंट्स, तो आप उसके साथ भी आप यही चीज़ आप उसको लगा सकते हो। जब उसके बच्चे को लगाओगे तो बच्चे को कभी चोंच नहीं मारेगा। जहाँ जहाँ से आप देखोगे कि प्लगिंग हुई हुई है, वहीं वहीं आप उसको दवाई को पूरी तरह अच्छे तरह से लगा देना, देसी जो हमारे प्लांट का जो पत्ता था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो हमारे नए सब्सक्राइबर है उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्रॉपर देखा करें, जो क्योंकि गाइडिंग का मसला होता है, अगर प्रॉपर नहीं देखे एक पॉइंट भी मिस करे तो फिर वो बेकार हो जाता है। कोई ऐसे कोई चीज़ मिस हो जाती है जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो फिर बाद में बंदे को रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये मानुल्ला, अल्लाह हाफिज़।